सो हेलो एंड अगेन वेलकम ऑल। सो आज जो है हम नगर पालिका एक्ट का अगला सेशन करेंगे, जिसमें सेक्शन 39 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेक्शन 40 से अपना डिस्कशन चालू रखेंगे। सो सेक्शन 40 से हम अपना डिस्कशन आज शुरू करेंगे। और हर बार क्या है कि हम जो पिछली क्लासेस में मिलते थे, इस तरीके से हम हाईलाइटेड पार्ट रखते थे ताकि इजीली समझ आ जाए। तो इस बार कुछ एरर होने के कारण जो हाईलाइटेड पार्ट है वो मेरा उड़ चुका है, तो इसके साथ ही अंडरलाइन करते जाएंगे और चीज़ों को समझते जाएंगे। ये क्लास में जो है हम अंडरलाइन कर लेंगे साथ में जो चीज़ें हैं। सो इस सेक्शन में हम 40 से लेके 43 तक इतना करने की कोशिश इस बार करेंगे। और एक बार ये हमारा सेक्शन चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम क्वेश्चंस को भी देख लेंगे और एक लंबी क्लास रहेंगे क्वेश्चंस की। तो सेक्शन 40 से है जो हम शुरू करते हैं। तो हमने 39 में ये देखा था, 39 हमारा बड़ा लंबा चौड़ा था, और 39 में हमने ये देखा था कि एक मेंबर का रिमूवल किस बेसिस पे हो सकता है, और बेसिस देखने के बाद हमने ये जो है किस तरीके से प्रक्रिया चलेगी। जैसे पहले हमने देखा था कि द स्टेट सर्विस का ऑफिसर है वो करेगा, देन दी जुडिशियल ऑफिसर ही विल टेक द चार्ज, एंड आफ्टर टू इंक्वायरीज द फाइनल कॉल विल बी डन बाय स्टेट गवर्नमेंट। दैट वाज द लास्ट क्लास वी हैव टेकन आवर कंसिडरेशन इन टू। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 40, एंड सेक्शन नंबर 40 टेल्स अबाउट अस अबाउट द इंक्वायरी इनटू सर्टेन एलिगेशंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस। मतलब अगर आपका टर्म ऑफ ऑफिस एक्सपायर हो गया है, उसके बाद भी अगर एलिगेशंस है तो उनकी इंक्वायरी चल सकती है या नहीं चल सकती है, उसमें हम देखेंगे। बिल्कुल बकायदा चल सकती है। अब ये क्वेश्चन ये उठेगा कि भाई टर्म ऑफ ऑफिस ही खत्म हो गया तो जो इंक्वायरी है वो चलने का क्या मतलब रहा? उसका भी काफी मतलब रहता है। अगर आप टर्म ऑफ ऑफिस खत्म होने के बाद भी इंक्वायरी में इफ यू शैल बी फाउंडेड यू शैल बी फाउंड गिल्टी तो यू विल बी रिमूव फॉर 6 ईयर्स। सो वो आपके टर्म ऑफ ऑफिस के बाद भी लागू हो सकती है वो चीज़। ऐसा जरूरी नहीं है कि टर्म ऑफ, हालांकि हम देख लेते हैं इसमें क्या करें। सो द फर्स्ट सबसेक्शन टेल्स दैट द इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एलिगेशन ऑफ नेचर स्पेसिफाइड इन क्लोज डी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39। सो व्हाट वाज द क्लोज डी? क्लोज डी वाज दिस सबसेक्शन, जिसमें ये 6 तरीके की ग्राउंड्स दिए गए थे फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। अगर इन छह में से, इसके ऊपर वाले क्लोज की बात नहीं कर रहा, इन छह में से अगर कोई क्लोज के अंदर रिमूवल का केस आता है अगेंस्ट एनी मेंबर और चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन ऑफ ए म्यूनसिपैलिटी, इट मीन्स ऑल मेंबर्स आर इंक्लूडेड इंक्लूडिंग द वाइस चेयरमैन एंड द चेयरमैन ऑफ म्यूनसिपैलिटी, द इंक्वायरी रिफर टू इन द प्रोविजन ऑफ सेड सबसेक्शन 3 एंड 4। 3 वाज फॉर द स्टेट सर्विसेज ऑफिसर एंड द फोर्थ सबसेक्शन वाज फॉर द जुडिशियल ऑफिसर। सो दैट सेक्शन मे बी इनिशिएटेड अगेंस्ट सच मेंबर चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टर्म। हियर इट क्लियरली सेज दैट इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म द इंक्वायरी मे बी इनिशिएटेड। ऐसा नहीं है कि इनिशिएट की हुई इंक्वायरी कंटिन्यू हो, फ्रेश इंक्वायरी कैन बी इनिशिएटेड इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट टर्म और टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ दैट म्यूनसिपैलिटी और आफ्टर ही हैज सीज्ड टू बी सच मेंबर और चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन और इफ ऑलरेडी इनिशिएटेड बिफोर सच एक्सपायरी मे बी कंटिन्यूड देयर आफ्टर एंड इन ईच सच केस एक्सेप्ट इन द केस कवर्ड अंडर सबसेक्शन 3 द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय ऑर्डर इन राइटिंग ओनली रिकॉर्ड्स इज फाइंडिंग इन कंफॉर्मिटी विद दोज ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर रिकॉर्डेड इन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 39। सो इट क्लियरली सेज दैट द क्रक्स ऑफ द सबसेक्शन इज दैट यस द इंक्वायरी कैन बी इनिशिएटेड इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एनी टर्म ऑफ एनी ऑफ द मेंबर और इवन इफ The term of any member has ceased. He has ceased to become a member of municipality. Then also the inquiry has can be initiated. And if the inquiry has been initiated earlier, that inquiry will be continued. And as per the section
4 of section 39, the inquiry will go on either by the state services officer and finally by the judicial officer, and final call will be done by state government. So all the scenario, all the procedure will be same as that of a normal member in case of the expiry of term of office of that member also. So that is clearly mentioned in this subsection. Now subsection 2 kya kehta hai, the provisions of subsection 6 of section 39. What was that subsection 6? Ye hamara tha jisme ye kaha gaya tha ki members ko hai state government mein bhi, is pe maine focus kiya tha ki state government may suspend any member agar wo chahe to during the inquiry time. Shall apply to the findings where was so recorded. Agar ये वाली जो केस है इनमें भी इट सेज कि दी सबसेक्शन 6 जो है 39 का वो एज इट इज अप्लाई होगा. ओके सबसेक्शन 3 भी एज इट अप्लाई हो रहा है, 4 भी एज इट इज अप्लाई हो रहा है, नो इश्यूज, नो नथिंग. सो 3 क्या करे, इन केस ऑफ मेंबर वाइस पर्सन और चेयर पर्सन हु इज री इलेक्टेड फॉर न्यू टर्म ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड अगेंस्ट हुम एनी इंक्वायरी रिफर टू इन सबसेक्शन 1 इज इनिशिएटेड ऑफ और इफ इट has already been initiated is continued in respect of its provisions term in municipality the provision of section shall mutatis mutandis apply. So hum baat kar rahe the subsection iske third ki, to isko fir se dekh lete hain. In case of member vice chairman or chairperson who is re-elected for new term of municipality and against whom any inquiry referred to in subsection 1 is initiated or if it has already been initiated is continued in respect of its provisions previous term in the municipality the provision of section 39 shall mutatis mutandis apply. ab dekhiye ye Italian word use kiya gaya, jaise kafi jo laws hai usme use kiya jata hai, jaise suo moto word use kar diya gaya is tarike se, aur bhi kafi word hai Latin word directly use kiye jate hain. to isme mutandis mutandis ka matlab rehta hai kisi do सिचुएशन में जो चेंजेस है वो अल्टरकेशन सिचुएशन के हिसाब से किए जा सकते हैं, बट द बेसिक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो सेम रहना चाहिए. जैसे पिछले टर्म में अगर किसी की इस सेक्शन में ये कहना चाह रहा है इफ द इंक्वायरी हैज बीन इनिशिएटेड ऑफ एनी मेंबर इन द प्रीवियस टर्म और वो न्यूली इलेक्ट होकर आ गया है, तो वो जो प्रीवियस टर्म वाली इंक्वायरी है दैट विल गो एज इट इज इन दे रिस्पेक्टिव है, वो वैसे ही चलती रहेगी और उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और वो पिछली टर्म के लिए चलेगी. तो नेक्स्ट टर्म में वो अपना वैसे ही चालू रखेगा और प्रीवियस टर्म के लिए इज कंटिन्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस टर्म इन म्युनिसिपैलिटी. लास्ट टर्म के बेस पे ये जो इंक्वायरी चली है, ये जो रिमूवल का प्रोसेस चला, वो एज इट इज चलता रहेगा. ये है सेक्शन 30, आई एम सॉरी सेक्शन 40, जिसमें जो एलिगेशन है आपने एक्सपायरी का किस तरीके से हो सकते हैं ये जो बताया गया बेसिक बस इस सेक्शन का हमारे सामने देने की दी पॉइंट कि यस आफ्टर द कंडीशन ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस इट कैन बी डन, ये बात में पता रहनी चाहिए. नाउ सेक्शन 40 का क्या कहता है, Section 40 says that the salary of members removed under Section 39. Section 39 हम देख चुके हैं कि removal का section है. ये काफी important है क्योंकि इसके base पे आगे वाले 3-4 sections हैं. तो ये जो है, ये removal of members का section है. तो ये क्या कहता है? A member who has been removed under Clause D of Subsection 1 of Section 39. ये Clause D we have seen recently in Clause D some 6 kind of basis for the disqualification as given we have seen very recently, or against whom adverse findings have been recorded under section 40. matlab jo term of office khatam hone ke baad bhi agar aisa koi adverse findings paayi gayi hai shall not be eligible for re-election for a period of 6 years from the date of the order of his removal or of recording adverse findings as case may be. If the person accused of removal under section 39 subsection D and subsection 1 subclause D of section 39 and section 40 in dono mein se kisi mein bhi if he has been
found guilty and order of his removal has been passed by the state government, then he will be removed, he will be disqualified, he will not enter the municipality for which amount of time? 6 years. ये ध्यान में रखिए, अगर एक बार वो डिसअलाउ हुआ तो कितने टाइम के लिए जाएगा? 6 साल के लिए ही विल बी रिमूव आउटराइटली. देन सेक्शन 42, रेस्ट्रिक्शन ऑन साइमल्टेनियस होल्डिंग ऑफ ऑफिस ऑफ ए मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड मेंबरशिप पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और ए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. इफ एनी पर्सन इज ऑलरेडी ए एमपी, ए एमएलए, एन एमएलए और एन एमपी, and if he has been elected as a member or vice versa, whatever be the situation is, what will be the final position and what will be the final seat that the candidate will hold, that is given in this section. So this section says that no person shall remain both the elected or nominated member of a municipality and a MP और एमएलए और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में व्हाट एवर द सीट ही इज इलेक्टेड. एंड इफ ए पर्सन हु इज ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और ए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी, देन एट द एक्सपायरी ऑफ 14 डेज, प्लीज रिमेंबर दिस टाइम लिमिट, एट द एक्सपायरी ऑफ 14 डेज from the date of his being elected or nominated as such member, he shall cease to be such member unless he has previously resigned his seat in the parliament or state legislative assembly or panchayati raj institution as the case may be. That means if a person is an MP, an MLA, or if he is elected in panchayati raj institution, say for sarpanch, okay, if a person is already holding one of these positions and he won the election of as a member of municipality and he is elected as a member in municipality, he is already an MLA, say for example, and he has also won the ticket of member of the municipality, then within the 14 days if he want to be a member of that municipality, within 40 days he has to resign from these positions. But if within the 14 days if he has not been resigned from MP, MLA or panchayat raj institution membership or the seat, then he will automatically lose the seat of municipality. 14 दिन के अंदर अंदर अगर वो पार्षद बन के आया है म्युनिसिपैलिटी में, उसे रहना है, तो पीछे वाली जो एमपी एमएलए की सीट पे वो था, उसे रिजाइन करना पड़ेगा. अगर 14 दिन के अंदर उसे रिजाइन नहीं की, देन हिज सीट ही शैल सीज टू बी सच मेंबर अनलेस ही हैड प्रीवियसली रिजाइंड हिज सीट इन द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव और पंचायत राज. अगर 14 दिन के अंदर अंदर वो उसने पीछे वाली सीट नहीं छोड़ी तो वो मेंबर नहीं बन पाएगा. ये तो केस हुआ जो वो पहले एमपी एमएलए सरपंच कुछ था और मेंबर बना. अब इसका उल्टा केस अगर हो तो भाई पहले मेंबर और फिर इनकी सीट जीत जाए तो क्या होगा? तो ये नेक्स्ट केस में समझा रखा है. प्रोवाइडेड दैट इफ ए पर्सन हु इज ऑलरेडी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी, इज इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, देन एट द एक्सपायरी ऑफ 14 डेज, एट द एक्सपायरी ऑफ 14 डेज from the date of his being elected as a member of MP, MLA or Panchayati Raj institution, as the case may be, he shall cease to be such member unless he has previously resigned his seat in Parliament, State Legislative Assembly or Panchayati Raj institution. मतलब दोनों ही केस में 14 दिन में अगर उसने resignation नहीं दिया तो उसकी member की seat जाएगी दोनों ही केस में. अगर वो ऑलरेडी मेंबर है या नॉमिनेटेड मेंबर है और उसके बाद वो एमपी एमएलए या कोई सरपंच का चुनाव जीत जाता है तो 14 दिन के अंदर अंदर उसे मेंबर की जो सीट है वो खाली करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो अपने आप मेंबर की जो सीट है वो खो देगा. एट द एक्सपायरेशन ऑफ 14 डेज ही शैल सीज टू बी सच मेंबर अनलेस ही हैज प्रीवियसली रिजाइंड हिज सीट इन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. दोनों ही केस में मेंबर सीज हो जाएगा अगर उसने अपना दूसरा वाला पद नहीं छोड़ा था. क्लियरली इट इज मेंशन्ड इन दैट सब सेक्शन. नाउ सेक्शन 43 जो है
बड़ा ही प्यारा सेक्शन है और बड़ा ही लंबा चौड़ा सेक्शन है, तो इसे ध्यान से हम देखेंगे। इसके 15 सब सेक्शन है, तो आराम से इसको देख लेते हैं। सेक्शन 43 क्या कहता है? सेक्शन 43 कहता है एवरी म्यूनिसिपैलिटी टू हैव चेयर पर्सन और वाइस चेयर पर्सन। हर म्यूनिसिपैलिटी में एक चेयर पर्सन होगा और एक वाइस चेयर पर्सन होगा। ये किस तरीके से आएंगे और किस तरीके से इनका फंक्शंस होंगे ये हम देख लेते हैं। तो इसके 15 सब सेक्शन है, तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है ही। और अगर चेयर पर्सन का और वाइस चेयर पर्सन का सीधा ही हमसे पूछेगी, इट इज मेंशन इन विच सेक्शन, देन वी विल से दैट इट इज मेंशन इन सेक्शन 43। दिस सब सेक्शन 1 टेल्स अस दैट देयर शैल बी ए मेयर ऑफ एवरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब ये चीज आप ध्यान रखिए कि जो चेयर पर्सन होगा उनके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नगर, इसको हिंदी में कहते हैं नगर निगम। ये जैसे बड़े बड़े जयपुर जोधपुर जो बड़ी सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो चेयरपर्सन होगा उसका नाम होगा मेयर। ओके, देन म्युनिसिपल काउंसिल जिसे कहते हैं नगर परिषद, नगर परिषद में जो चेयरपर्सन होगा उसका नाम होगा प्रेसिडेंट। और म्युनिसिपल बोर्ड मतलब नगर पालिका, नगर पालिका में जो चेयरपर्सन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज चेयरमैन। सो आपके बाद अगर आपको कोई कहे कि आपके नगर निगम में चेयरमैन कौन है, तो दैट विल बी रॉन्ग क्वेश्चन, बिकॉज द चेयरपर्सन ऑफ नगर निगम इज मेयर नॉट द चेयरमैन। सो मेयर का होता है, प्रेसिडेंट का होता है और चेयरमैन का होता है। तीनों ही चेयरपर्सन होते हैं, बट तीनों जगह तीनों के नाम अलग अलग हैं। सो यू शुड रिमेंबर दिस फैक्ट एंड यू शुड साउंड लाइक एन ईयू। ऐसा नहीं हो कि जो नॉर्मल आदमी भाषा में बात कर रहा है उसी में आप बोल दोगे नगर पालिका में चेयरमैन है, नगर परिषद में भी चेयरमैन है, नगर निगम में भी चेयरमैन है। दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। इफ यू आर गोइंग टू बी एन ईयू इन नगर पालिका, यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज फैक्ट्स। सेकंड क्या कहता है, देयर शैल बी ए डेप्यूटी मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, वाइस प्रेसिडेंट फॉर म्युनिसिपल काउंसिल और वाइस चेयरमैन होगा म्युनिसिपल बोर्ड के लिए, हु शैल बी इलेक्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ये हम देखेंगे कि कैसे वो इलेक्टेड होंगे, बट जैसे चेयरपर्सन होंगे उनके नीचे वैसे ही वाइस चेयरपर्सन होंगे। लाइक मेयर के नीचे डेप्यूटी मेयर, प्रेसिडेंट के लिए वाइस चेयरमैन और चेयरमैन के नीचे वाइस चेयरमैन। द ऑफिसेस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपैलिटी शैल बी रिजर्व फॉर एससी एसटी ओबीसी एंड वीमेन इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। सो वी हैव सीन इन सेक्शन, आई थिंक सेक्शन 28 और सेक्शन 6, और सेक्शन 6 वॉज द मेजर सेक्शन जिसमें हमने देखा था कि इलेक्टोरल रोल बनना हो और चाहे द एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ वार्ड मेंबर्स हो, तो इन दैट केस इन ऑल दीज केसेस दी रिजर्वेशन फॉर एस टी एस सी ओ बी सी एंड वुमेन इज स्पेसिफाइड एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज टू मेक इंश्योर फॉर द प्रोविजन्स फॉर द रिजर्वेशन। सो इन द सेम मैनर द रिजर्वेशन फॉर द सीट ऑफ चेयरपर्सन इज ऑल्सो मैंशन इन दिस सेक्शन इन दिस एक्ट एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन द रोटेशन ऑफ द रिजर्व सीट्स फॉर दी चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। देन द स्टेट गवर्नमेंट शैल एलोकेट द ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन रिजर्व अंडर सब सेक्शन 3 टू डिफरेंट म्युनिसिपैलिटीज इन द स्टेट एंड इन एलोकेटिंग सच ऑफिसेज रिगार्ड शैल बी हैड टू द फॉलोइंग प्रोविजंस। नेमली मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है जिस प्रकार से सीटें रिजर्व होगी चेयरपर्सन के लिए वो एलोकेट करेगी और उनको फॉर्मुलेट करेगी, और ये जो सब क्लॉजेस है उनको फॉलो करते हुए ये प्रोसीजर अपनाएगी। क्या सब सेक्शंस है? म्युनिसिपैलिटीज इन विच ऑफिस इज रिजर्व फॉर एससी एसटी शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्टेट एंड लोकेट एज फॉर एज प्रेस्क्राइब इन आई एम सॉरी एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल इन दोज एरियाज वेयर दी प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन इज कंपेरेटिवली लार्ज। कहने का तात्पर्य है कि अगर राजस्थान की अगर हम बात करें तो दी सीट रिजर्व फॉर एसटी एंड एससी फॉर चेयरपर्सन इट शुड बी एलोकेटेड थ्रू आउट स्टेट। ऐसा नहीं एक ही इलाके में आपने
मान लीजिए 6 सीटें थी चेयर पर्सन की और आपने बस इसी जगह में छेड़, नो, यू हैव टू एलोकेट दीज सीट्स थ्रू आउट द स्टेट। ठीक है, पूरा जो जियोग्राफिकली डाइवर्सिफिकेशन है वो आपने अचीव किया होना चाहिए। और सेकंड, आप उन्हीं एरियाज में सीट रिजर्व करेंगे जिन एरियाज में ST की, SC की, OBC की, वीमेन की, जहां पे भी आप रिजर्व कर रहे हैं वहां के पॉपुलेशन में उनका जो है प्रोपोर्शन अच्छा खासा हो, कंपैरेटिवली लार्ज हो। और सेकंड पार्ट कह रहा है, द म्युनिसिपैलिटी इन व्हिच ऑफिस इज रिजर्व फॉर वुमेन शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्टेट, वहां पे भी थ्रू आउट द स्टेट जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो दोनों में चाहे ST SC या वीमेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्रू आउट द स्टेट किया जाएगा, किसी एक कंसंट्रेटेड एरिया में आप सीटें अनाउंस करके सीमित क्षेत्र में नहीं कर सकते, थ्रू आउट द स्टेट करना पड़ेगा। नाउ सब सेक्शन 5 क्या कह रहा है, द रिजर्वेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन फॉर द मेंबर ऑफ SC और ST और OBC अंडर दिस सेक्शन शैल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 334 फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सेक्शन वी हैव ऑलरेडी सीन और इन दैट सब सेक्शन ऑल्सो, इन दैट सेक्शन ऑल्सो वी हैव रेड आउट दिस सेम प्रोविजन कि आर्टिकल 334 के अधीन रहेंगे ये रिजर्वेशंस फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट्स इधर इन द इलेक्टोरल रोल और इन द इलेक्शन ऑफ वार्ड मेंबर्स एंड नाउ इन द इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन्स, आर्टिकल 334 के अधीन ही वो रिजर्वेशंस रहेंगे। व्हेन बी टाइम पीरियड ऑफ द आर्टिकल 334 विल बी ओवर दिस सेक्शन विल आल्सो नॉट बी एप्लीकेबल। सो 334 और आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम अथॉरिटी, उसके सबऑर्डिनेशन में ही दिस द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट्स फॉर द रिजर्व सीट्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड। नाउ सब सेक्शन 6 क्या कहता है, एवरी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन हु फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 1 month रिमेन्स एबसेंट फ्रॉम द म्युनिसिपैलिटी और हैज टू बी अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज एज अ चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन शैल सीज टू बी वाइस चेयरपर्सन और चेयरपर्सन अनलेस लीव सो टू एबसेंट हैज बीन ग्रांटेड बाय द म्युनिसिपैलिटी। ये जो फैक्ट है, वी हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट कि अगर कोई चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन लगातार 1 महीने तक एबसेंट रहता है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए और विदाउट दी फॉर्मल अप्रूवल ऑफ म्युनिसिपैलिटी, अगर वो बहुत किसी बीमारी से ग्रस्त है, किसी एक्सीडेंट हुआ है उसका, तो म्युनिसिपैलिटी विल अलाउ दिल्ली, दिस इज द केस, बट उसने म्युनिसिपैलिटी को इन्फॉर्म भी नहीं किया, म्युनिसिपैलिटी से कोई लीव भी सेंक्शन नहीं कराई और ही इज बस डायरेक्टली एबसेंट फॉर 30 डेज, देन ही शैल लाइबल टू बी सीज फ्रॉम दैट ऑफिस, वो चेयरपर्सन या वाइस चेयरमैन के पद से हट जाएगा, कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। नाउ सब सेक्शन 7 सेज दैट लीव अंडर सब सेक्शन 6 जो अभी हमने बात की ये वाली शैल नॉट बी ग्रांटेड फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 6 months, अगर छुट्टी भी उसने ली है भाई 1 महीने से ज्यादा बिना बताए अगर वो एबसेंट रहा देन वो चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन के पद पर नहीं रह पाएगा। लेकिन 1 महीने से ज्यादा अगर एबसेंट रह रहा है और बकायदा लीव ले रह रहा है तो लीव भी मैक्सिमम 6 महीने की हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी। वेन एवर लीव इज ग्रांटेड टू चेयरपर्सन या फिर वाइस चेयरपर्सन इज वैकेटेड, द वैकेंसी शैल बी फिल्ड अप बाय इलेक्शन फ्रॉम अगेंस्ट द मेंबर्स विद इन विच सच पीरियड एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। When leave is granted to vice chairperson or when the vice chairperson is acting as chairperson, the vacancy in the office of the chair vice chairperson may be filled up by the election to some other member there too. So it is given that if a chairperson is on leave, अगर chairperson leave पे है तो obviously vice chairperson will act as the chairperson. But if vice chairperson is also on leave, तो Who will preside the municipality for 6 months? अगर 6 month की छुट्टी पे वाइस चेयरपर्सन खुद भी है तो then the municipality will elect, आप ये ध्यान रखिए, इलेक्ट करेंगे वो, यानी बातचीत करेंगे, will elect the new chairperson of that municipality for the time period of 6 months, या फिर जितने भी उस वो व्यक्ति छुट्टी लेके गया है उतने टाइम पीरियड के लिए they will elect an chairperson.
जैसे उसकी छुट्टी पूरी हुई फिर ये ही विल एक्ट एज द नॉर्मल मेंबर और वो आके अपना वापस से संभालेंगे। इफ द वाइस चेयरपर्सन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी इज इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी ही शैल डीम टू हैव वैकेटेड हिज ऑफिस एज वाइस चेयरपर्सन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर कोई वाइस चेयरमैन जैसे ही चेयरमैन का पद संभालेगा तो वो अपने वाइस चेयरमैन का जो पद है वो उसे छोड़ेगा। साइमल्टेनियसली चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन एक ही व्यक्ति नहीं रह सकता है। वाइस चेयरपर्सन जैसे ही चेयरपर्सन बनेगा देन वाइस चेयरपर्सन की सीट शैल बी कंसिडर्ड वैकेंट। अब सब सेक्शन एट क्या कहता है हमारा, सब सेक्शन एट तो हमने देख लिया, नाइन्थ हम देखते हैं। नाइन्थ कहता है कि एवरी चेयरपर्सन एंड एवरी वाइस चेयरपर्सन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी शैल फोर्थविथ बी डीम्ड टू हैव वैकेटेड हिज ऑफिस इफ ए रेजोल्यूशन एक्सप्रेसिंग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिम इज पास्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन उस सभा से पारित हो गया है तो उस सभा के सभापति और उपसभापति जो है वो माने जाएंगे कि वो हट गए हैं, उनका ऑफिस वैकेट हो चुका है। ऑब्वियसली अगर नॉट कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो जो सदन है वो डिसॉल्व माना जाएगा। और जैसे ही सदन डिसॉल्व हुआ तो फिर उसमें मेंबर्स की सीट भी सब वैकेंट मानी जाएगी और चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन तो ऑब्वियसली फिर वैकेंट माने जाएंगे। दैट इज नॉट ए न्यू इंफॉर्मेशन और काइंड ऑफ यूनिक इंफॉर्मेशन, सिंपल जनरल इंफॉर्मेशन। नाउ सबसेक्शन 10 क्या कहता है, एवरी चेयरपर्सन एंड एवरी वाइस चेयरपर्सन शैल बी रिमूवेबल फ्रॉम हिज ऑफिस एज सच चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन ऑन एनी ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लोज डी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ क्लोज ऑफ सेक्शन 39। सो वी हैव सीन द क्लोज डी ऑफ सब सेक्शन 1 वाज द 1 2 3 4 6 काइंड ऑफ ग्राउंड्स आर गिवन इन दिस सब सेक्शन डी सब सेक्शन 1 के क्लोज डी में एंड द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2 टू 6 ऑफ दैट सेक्शन। और उसके जो 39 के 2 टू 6 में भी जो भी प्रोविजंस है जिसमें इंक्वायरी की बात की गई है सब तरीके की जो है बात की गई है, तो इसमें ये ही बताया गया है कि जो बेसिस लिए गए हैं एक मेंबर को रिमूव करने के लिए वही बेस चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के लिए भी रिमूव करने के लिए एप्लीकेबल होंगे। और उसी तरीके से जिस तरीके से मेंबर रिमूव होता था उस तरीके से चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन भी रिमूव किए जा सकते हैं। दैट इज क्लियरली एक्सक्लूसिवली मेंशन इन दिस सबसेक्शन। नाउ 11 क्या कहता है कि टर्म ऑफ ऑफिस जो होगा वो चेयरपर्सन का और वाइस चेयरपर्सन का उतना ही होगा जितना कि उस म्युनिसिपैलिटी का होगा। और म्युनिसिपैलिटी का हमें पता है कि 5 साल तक का टाइम पीरियड रहता है और टर्म ऑफ ऑफिस जो है हमने पहले देख चुके हैं, हम पहले देख चुके हैं। तो अब अगर एक म्युनिसिपैलिटी 5 साल से पहले ही डिसॉल्व हो जाती है, 3 साल के बाद वो डिसॉल्व होगी, तो ऑब्वियसली जो हमने बात की कि अगर वो डिसॉल्व ही हो गई है तो उसके चेयरपर्सन की और वाइस चेयरपर्सन की जो सीट है वो वैकेंट मानी जाएगी, वो उसके साथ ही डिसॉल्व हो जाएगी। नॉर्मल केस की हम बात कर रहे हैं, 5 साल तक म्युनिसिपैलिटी चलती है, 5 साल तक चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का जो टाइम पीरियड है वो होगा। लेकिन अगर फिर भी आपसे अगर कोई पूछे कि म्युनिसिपल आपको अगर क्वेश्चन दे आपके ईओ और आरओ के एग्जाम में कि चेयरपर्सन का टाइम पीरियड क्या होता है, टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, जिसमें ऑप्शन ए दर लिखा होगा 5 ईयर्स, बी में 6 ईयर, सी में 7 ईयर दे रखा होगा, डी में दे रखा होगा कि कोरस्पॉन्डिंग विद द टर्म ऑफ म्युनिसिपैलिटी, तो आप वो डी ऑप्शन। मैक्सिमम केसेस भी होता है जब मैं भी तैयारी करता था तो ऐसा हो जाता था कि हम सिर्फ पहला ऑप्शन देखते हैं कि हाँ हमें याद आता है चेयरपर्सन 5 साल का होता है म्युनिसिपैलिटी का उतना ही होता है, तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं 5 साल उस पर टिक मार देते हैं। नो दैट विल बी ए रॉन्ग आंसर। द राइट आंसर इज दैट द कोरस्पॉन्डेंट विद द टर्म ऑफ म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। तो आउटराइटली कहना कि 5 साल होगा ये एक गलत स्टेटमेंट होगा। जनरली हम कह सकते हैं बट इफ यू हैव रेड द एक्ट वेरी केयरफुली एंड इफ यू रिमेंबर द फैक्ट्स तो यू शुड साउंड लाइक एन ऑफिसर एंड यू शुड गिव द करेक्ट फैक्ट्स कोरस्पॉन्ड विद द टर्म ऑफ म्युनिसिपैलिटी, दैट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए चेयरपर्सन, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ सेक्शन 12, सब सेक्शन 12,
ये वाइस चेयरपर्सन में रिजाइन, वाइस चेयरपर्सन जो है वो रिजाइन कहाँ करेगा, किसको करेगा, जो है एक नोटिस देगा किसको, चेयरपर्सन को, और चेयरपर्सन किसको करेगा, ए पर्सन गिविंग ए लाइक नोटिस टू सच ऑफिसर एज मे बी अपॉइंटेड और ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें किसी भी व्यक्ति का, किसी भी ऑफिसर का जो पद है वो डेजिग्नेट करके नहीं बताया, लाइक ऐसा नहीं कहा गया है कि वो जिला कलेक्टर को देगा या वहां के एसडीएम को देगा या बीडीओ को देगा, दैट इज नॉट स्पेसिफाइड इन दिस केस। इट इज डायरेक्टली गिवन की एज सच ऑफिसर दैट शैल बी अपॉइंटेड और ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट। वो स्टेट गवर्नमेंट किसी को भी ऑथराइज कर सकती है, बट जो वाइस चेयरपर्सन है वो तो चेयरपर्सन को ही अपना रेजिग्नेशन देंगे। इट इज क्लियर। एवरी सच रेजिग्नेशन शैल टेक अफेक्ट ऑन इट्स एक्सेप्टेंस एज द केस में बी द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ नोटिस। 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही ये जो रेजिग्नेशन है ये आई वुड से कि इम्प्लीमेंटेबल या फिर मान्य माना जाएगा। 30 दिन के नोटिस पीरियड से पहले यू विल नॉट बी अलाउड टू लीव द ऑफिस। सो ये चेयरपर्सन किसको रेजिग्नेशन देगा और वाइस चेयरपर्सन, चेयरपर्सन देगा, वाइस चेयरपर्सन देगा चेयरपर्सन को, और चेयरपर्सन देगा ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये दो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नाउ 13 सबसेक्शन क्या है, ए वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन अकरिंग अदरवाइज देन इफेक्ट्स ऑफ टाइम, इफेक्ट्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टाइम मींस जो टाइम नियत है वो समाप्त हो जाए, 5 साल पूरे तरीके से खत्म हो जाए, अगर वो केस नहीं है, बीच में वैकेंसी हो गई है, शैल बी फिल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर अंदर आपको जो है चेयरपर्सन का जो पद है वो फिल करना पड़ेगा फ्रॉम द अकरेंस ऑफ सच वैकेंसी, एंड द पर्सन इलेक्टेड टू फिल अप द वैकेंसी शैल होल्ड द ऑफिस फॉर रेसिड्यू ऑफ द टर्म फॉर विच द चेयरपर्सन इन हुज प्लेस ही सो इलेक्टेड वुड हैव हेल्ड इफ द वैकेंसी हैड नॉट अकर्ड। मतलब अगर चेयरपर्सन की सीट वैकेंट हो गई है तो सभा को चलाने के लिए, सदन को चलाने के लिए कुछ वक्त तक आप वाइस चेयरपर्सन को चेयरपर्सन की जगह इलेक्ट कर सकते हैं और उसका सभा की जो गतिविधि है वो सदन चला सकते हैं, बट 6 महीने के अंदर अंदर सदन को नया चेयरपर्सन इलेक्ट करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो नया चेयरपर्सन आएगा वो उतना ही टाइम पीरियड करेगा जो पुराने वाला जो वैकेट करके गया है उसका बचा था। मान लीजिए पुराने वाले ने 3 साल कंप्लीट कर लिए, नया व्यक्ति आया, अब म्यूनसिपैलिटी के 2 साल और बचे हैं तो वो आगे वाले 2 साल पूरे करेगा। अब नया वाला व्यक्ति आगे ये नहीं कहेगा कि मैं 5 साल तक रहूंगा, नहीं, उतना ही टाइम करेगा जितना कि वो रेसिड्यू करके गया है, छोड़ के गया है जो पिछले वाला गया है। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंड कर सकती है ऐसे पीरियड को 3 महीने से और ज्यादा। मतलब 6 महीने तक तो नॉर्मल लिमिट आपको दी गई है और 3 महीने स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगे कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है तो ये स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है कि वो इसे बढ़ा सकती है। ए वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ए वाइस चेयरपर्सन अकरिंग अदरवाइज देन द इफेक्ट्स ऑफ टाइम शैल बी फील्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ फॉरगोइंग सबसेक्शंस एंड द पर्सन इलेक्टेड टू फिल अप द वैकेंसी शैल होल्ड ऑफिस फॉर द रेसिड्यू ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस चेयरमैन। कह रहे हैं अब इसमें देखिए इन दोनों में क्या फर्क है, वाइस चेयरमैन की अगर वैकेंसी क्रिएट होगी तो इसमें टाइम नहीं दिया गया है कि भाई इतने टाइम में, इसमें तो कहा है कि 6 महीने में आपको करनी करनी है, ठीक है, लेकिन इसमें कहा गया है कि शैल बी फिल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ फॉरगोइंग सब सेक्शंस, जो पिछले वाले सब सेक्शंस हैं उनके जो प्रोविजंस दिए गए उस हिसाब पे, तो पिछले के हिसाब से तो 6 मंथ्स की है, तो नॉर्मली तो हम 6 मंथ्स की जो प्रक्रिया फॉलो करेंगे, बट क्लियरली 6 मंथ का इसमें नहीं कहा गया। और जो टाइम पीरियड वो फॉलो, जो टाइम पीरियड जो नया वाइस चेयरपर्सन आएगा वो कितने टाइम पीरियड तक रहेगा वो सेम है कि जो पिछले वाला रेसिड्यू करके गया है, छोड़ के गया उतने टाइम तक वो रहेगा। 14 सबसेक्शन कहता है कि जो भी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन इलेक्ट हुए हैं उनके नाम स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित किए जाएंगे उसकी प्रमाणिकता को वैध बनाने के लिए। फिर
सेक्शन 15 कहता है कि चेयरपर्सन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी में रिसीव आउट ऑफ म्युनिसिपैलिटी फंड सच मंथली अलाउंसेस एंड फैसिलिटीज एज में भी प्रिस्क्राइब। म्युनिसिपल जो फंड है उसी से इनकी सैलरी और अलाउंसेस फिक्स होंगे, वही इनको मिलेंगे। सो दैट वाज फॉर क्लास जिसमें हमने चार सेक्शंस देखे, सेक्शन 40, 41, 42 एंड 43। 43 हमारा अच्छा खासा बड़ा सेक्शन था। सो एक बार फिर से एक क्विक रिविजन देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने 40 देखा, जिसमें हमने ये देखा कि एक्सपायरी हो गया किसी का टर्म ऑफ ऑफिस, उसके बाद भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिमूवल का जो प्रोसीजर है, ठीक है। और अगर एक बार रिमूव वो हो जाता है तो कितने टाइम के लिए होगा? 6 महीने, 6 साल के लिए होगा, ये हमने देखा था। 41 में डिसेबिलिटी ऑफ मेंबर्स रिमूव अंडर सेक्शन 19, इसमें हमने देखा था कि 6 साल तक वो भाई साहब निपट जाएंगे और 6 साल तक उनको फिर बारी नहीं आने वाली है रीइलेक्शन के लिए। देन सेक्शन 42 वाज द केस वेयर एन ए पर्सन इज ऑलरेडी एमपी एमएलए और होल्डिंग अ पोजीशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विल बिकम ए मेंबर और द केस वाइस वर्सा, ही शैल गिव नोटिस और प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर the seat of membership within 14 days. Otherwise, his seat of member will be void in both of the cases. Now, section 43 was the regarding the chairperson and vice chairperson of the body and how they will come, how the state government take care of the reserved seats, and the section article 334 of the constitution will be dominating section for the implementation of reserve seats for the chairperson. Now, अगर वो 1 महीने तक absent रहते हैं, then he will the seat of chairperson or vice chairperson shall be taken as void, or the leave period can be extended up to 6 months. That is clearly given. इस तरीके से हमारे साथ 15 subsections थे, जिनमें से अगला अगर मैं बात करूँ तो मैंने ये कहा था कि जो वाइस चेयरपर्सन है वो जब चेयरपर्सन की तरह काम कर रहे हैं तो वाइस चेयरपर्सन की सीट वैकेंट मानी जाएगी। इसके बाद नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो वाइस चेयरपर्सन और चेयरपर्सन की सीट वैकेंट मानी जाएगी, ऑब्वियसली पूरा हाउस ही डिसॉल्व हो जाएगा। देन वी हैव सीन कि जो टर्म ऑफ ऑफिस है चेयरपर्सन का वो 5 साल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कोरोस्पॉन्ड विद द टर्म ऑफ म्युनिसिपैलिटी, जो 5 साल होता है हमें कहा गया है। देन मैंने ये बात कही थी कि जो वाइस चेयरपर्सन है वो रिजाइन करेगा चेयरपर्सन को, और चेयरपर्सन है वो रिजाइन कर सकता है किसी ऐसे ऑफिसर को जो ऑथराइज्ड किया गया है या फिर अपॉइंट किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और ये कितने टाइम का नोटिस पीरियड देंगे? 30 डेज का। उसके बाद मैंने ये बात कही थी कि जैसे ही चेयरपर्सन की सीट वैकेंट होती है 6 महीने के अंदर उसको भरना है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो वो 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकती है। जो भी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन बनेंगे उनका नाम का प्रकाशन स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में करेगी, और जो चेयरपर्सन होंगे म्युनिसिपैलिटी के वो अपनी मंथली अलाउंस और फैसिलिटीज कहाँ से विड्रॉ करेंगे? म्युनिसिपल फंड से। सो दैट वाज द केस। वी हैव रेड फोर सेक्शंस। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फ्रॉम सेक्शन 44। टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी हार्ड। थैंक यू।